अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल और आलू के चटपटे कबाब। इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं कि इसके आगे गोश्त के कबाब भी हो जाएंगे फेल। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जायकेदार ये कबाब बनते हैं। तो चलिए हम कैसे करेंगे। एक कप चने की दाल लेंगे और इसको 2 से 3 बार साफ पानी से धो और फिर इसे सूख किया है। से 15 लहसुन के जवे हैं, देसी लहसुन मैंने डाला है। चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिए और साथ में मैंने 3 सब्ज हरी मिर्च लिए और इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप करके लिया है। पुदीना डालेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना मैंने लिया है। हरा धनिया लेंगे 1/2 कप, पुदीना कम डालेंगे, हरा धनिया ज़्यादा डालेंगे। का पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, नमक और मिर्च आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए झटपट फौरन से ये कबाब बना रही हूँ, तो फिर मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कबाब ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें हमने दूध डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी कबाब बने हैं और अंदर से देखने में देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब लग रहे हैं। तो आप इसे केचप के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।